जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, उसे साबित होता है कि चुनाव में किया गया वादा पूरा किया गया है। जिस हिम्मत के साथ 370 को हटाया गया है, उनसे यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार के पास वास्तव में 56 इंच का सीना है। पिछले 4-5 दिनों से घाटी में जो हलचल दिख रही थी, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को निरस्त किया गया, स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे और 35,000 जवानों की तैनाती की गई थी, उससे यह लग रहा था कि कश्मीर में कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जाने वाला है। कल रात से कश्मीर के बड़े नेताओं को भी नज़रबंद कर दिया गया और आज जब 11 बजे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकार के इरादे बताए तो भारी हंगामा हुआ, लेकिन अनंतन सरकार धारा 370 को हटाने में कामयाब रही। आइए जानते हैं 370 आखिर लागू क्यों की गई थी। 17 अक्टूबर 1949 को संसद में जब यह सवाल आया था कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तब आधा राज्य इधर है और आधा राज्य उधर है, ऐसे में पूरा संविधान वहां लागू करना कठिन होगा, इसलिए अस्थायी तौर पर धारा 370 लागू करना होगी। जब वहां हालात सामान्य हो जाएगी तब इस धारा को हटा दिया जाएगा। फिलहाल वहां धारा 370 से काम चलाया जा सकता है। असल में भारत के संविधान के 21वें भाग का 370 एक अनुच्छेद है। 21 में इस भाग को बनाया ही गया अस्थाई प्रबंधनों के लिए, जिसे कि वादे में हटाया जा सकता है। इस धारा के 3 खंडन हैं। इसके 3रे खंडन में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से धारा 370 को कभी भी ख़त्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभा रही नहीं, ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं। बड़ी बात यह है कि धारा 370 भारत की सांसद लेकर आई थी, वह इसे कभी भी हटा सकती है। भारतीय संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। भारत की उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अंत्य सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। इस तरह जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह देश के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और CAG जैसे कानून लागू नहीं होते। धारा 370 की वजह से कश्मीर के बाहर से आने वाले लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिल जाती है। इन तमाम प्रावधानों के साथ धारा 370 को लागू किया गया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल कर रख दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।